New Wave, committed to bring you the best. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त आपके सामने है न्यू वेव कैश काउंटिंग मशीन का मॉडल NW980B, जो एक टॉप लोडिंग मशीन है। ये जदीद वैल्यू काउंटिंग मशीन है जो फेक नोट भी पकड़ती है और एक ही वक्त में नोटों की तादाद काउंट करने के साथ साथ इनकी कुल मालियत भी कैलकुलेट कर लेती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी कैश काउंटिंग का एक स्टेप कम हो जाता है और बहुत सा कीमती टाइम भी सेव होता है। अब हम आपको इस मशीन के फंक्शंस और इसकी कारकर्दगी का डेमो दिखाते हैं। तो काउंटिंग शुरू करते हैं, इसकी LCD पर देखें। इसका मोड आपको MDC पर नज़र आएगा, यानी मिक्स डिनोमिनेशन काउंटिंग, जिसका मतलब है कि आप इसमें बड़े छोटे मिले जुले नोट इकट्ठे काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास मुख्तलि मालियत या डिनोमिनेशंस के मिक्स करेंसी नोट हैं। हम इसमें एक फेक नोट भी शामिल कर लेते हैं ताकि मशीन की जाली करेंसी को डिटेक्ट करने की सलाहियत भी टेस्ट हो सके। ये नोट हमने मशीन में एंटर किए, जैसे ही तरतीब में जाली नोट आया मशीन ने काउंटिंग रोक दी और बीप अलार्म के साथ बताया कि ये नोट फेक है। ये नोट उठाकर हमने अलग कर लिया और काउंटिंग जारी रखने के लिए स्टार्ट का बटन दबाया। मशीन ने काउंटिंग कंटिन्यू की और चंद सेकंड्स में LCD पर नोटों की कुल तादाद के साथ रकम की कुल मालियत यानी टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू भी शो हो गई। इसकी मजीद डिटेल जानने के लिए हम डिस्प्ले बटन पर प्रेस करते हैं, जिससे हमें इस अमाउंट में मौजूद मुख्तलिफ मालियत के नोटों की अलग अलग तादाद की मुकम्मल तफसील LCD पर मिल जाती है। इस डिटेल का हम ज़रूरत के तहत प्रिंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके मोड में दूसरी ऑप्शन की, जो कि काउंटिंग है। इससे मुराद सिंपल काउंटिंग है, यानी मशीन इस मोड में सिर्फ सादा काउंटिंग करेगी और अमाउंट की वैल्यू काउंटिंग नहीं करेगी। इसको सेट करने के लिए हम मोड का बटन दबाते हैं। ये काउंटिंग मोड सेट हो गया। इसके मोड में तीसरी ऑप्शन SDC की है, यानी सिंगल डिनोमिनेशन काउंटिंग। इसका मतलब है कि मशीन किसी एक डिनोमिनेशन यानी किसी एक मालियत के नोटों की काउंटिंग करेगी और इस दौरान अगर किसी दूसरी डिनोमिनेशन का नोट इस कैश में पाया गया तो मशीन उसे डिटेक्ट करके रोक देगी। इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमने एक डिनोमिनेशन के नोटों में दूसरी डिनोमिनेशन का सिर्फ एक नोट मिक्स करके रख दिया और मशीन में एंटर किया। जैसे ही तरतीब में दूसरे डिनोमिनेशन का नोट आया मशीन ने काउंटिंग रोक कर और बीप अलार्म के साथ अलर्ट किया कि ये डिनोमिनेशन फ़र्क है। नोट को उठाकर अलग कर लिया और काउंटिंग जारी रखने के लिए रीसेट का बटन दबाया। अब हम देखते हैं इसका बैच फंक्शन। बैच का बटन प्रेस करने पर मशीन डायरेक्ट 100 नोटों का बैच सेट करती है, जिसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक